गौही समाज द्वारा गौही भवन में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही सभी समाज सेवियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। वहीं गौही भवन प्रभारी राकेश नगरिया ने कहा कि गौही समाज सभ्य पढ़ा लिखा समाज है। गौही समाज ने सभी समाजों को आगे बढ़ाया है, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। गौही समाज को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन समाज में कुछ लोग वेक्टर फैलाने वाले रहते हैं, जो समाज में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को पसंद नहीं करते और उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, उनका सहयोग नहीं करते। अंत में सभी का स्वल्पाहार और मिठाई बांटी गई है। कार्यक्रम में 84 क्षेत्र के वरिष्ठ संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश पहारिया, समाज सेवी प्रभुदयाल पहारिया, पूर्व गौही समाज अध्यक्ष मनोज रेजा, गौही समाज उपाध्यक्ष राजेंद्र नगरिया, शनश्याम दास घुसर, जीवन लाल कनकने, देवेंद्र कनकने, राम भरोसे, हरि निखरा, राम निवास कुचिया, संजय गुप्ता, फौजी रज्जन वेंडर, अंपू कनकने, विकास निखरा, दिलीप निखरा, उपेंद्र वेडर, कौशल गुप्ता, महिला मंडल महामंत्री श्रीमती लक्ष्मी कसाव, पत्रकार संजय बिलिया सहित आधा सैकड़ा से अधिक लोग शामिल हुए। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेकिन कुछ लोग जैसे ने बताया लोग जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आज करेरा गौही समाज हो या भारत में गौही समाज हो, हमारी समाज ने अन्य समाज के लोगों को, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको राजनीतिक करना सिखाया है, पढ़ाया है, चंदा दिया है, पैसा दिया है, समय दिया है, उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन आज अपना गौही समाज जिस स्तर पे है वहाँ से आगे बढ़ने में थोड़ी सी कमियाँ समाज की हैं कि अपना समाज एक दूसरे को अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पकड़ के थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता है। काश कोई भी आगे बढ़ रहा है, राकेश झाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसको खींच रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है, संजय जी आगे बढ़ रहा है तो ये क्यों आगे बढ़ जाए। एक दूसरे का साथ देने में शायद अपन लोग उसको नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। मैं सब लोगों से, सामाजिक बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग सब एक रहे, समाज को संगठित करें। अगर हमारा कोई भाई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको हम और सहयोग करें, और समाज में अगर कोई अपना भाई कमजोर है उसको आगे ले जाने की कोशिश करें, तब तो हमारा समाज संगठित रहेगा। आज हम लोगों ने अन्य समाज के लोगों को बहुत आगे बढ़ा दिया है, उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि हम लोग आज उनके आगे पीछे घूमते हैं। और हमारी बात जब हम अपनी बात लेने जाते हैं तो उन्होंने कहा भी भाई साहब ऊपर बैठे हैं, आ रहे हैं आप लोग नीचे बैठिए। अगर वो किसी काम से हमारे यहाँ आ जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो भाई साहब आए तो वो थाली वहीं छोड़ के, नाश्ता की प्लेट छोड़ के उनकी आगवानी करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से, मेरे सब वरिष्ठ है, सब भाई है, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज संगठित हो, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। बस यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त